प्रचार से लेकर अब तक जिस तरीके से इन लोगों ने साथ निभाया और विपक्षी खेमे को धूल चटा दी राजस्थान के रन में, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया, ये पूरी जर्नी हमने आपको लगातार बताई है। और दो दिन से क्या कुछ हो रहा था, कैसे रस्ता कशी सीएम पद को लेकर, उस बीच हमने सबसे पहले आपको अपडेट किया कि अशोक गहलोत को ही ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जहां पे उनके ऊपर एक बार फिर से आला कमान यानी तीसरी दफा उन्हें ये जिम्मेदारी राजस्थान की मिलने जा रही है, जब जो राजस्थान की जनता है जिसके दिलों में बसते हैं अशोक गहलोत, उनकी सेवा करने का मौका एक बार फिर से अशोक गहलोत को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सचिन पायलट युवा जोश के तौर पर उनके साथ हर कदम पर मौजूद रहेंगे, और यही जन भावना को ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया गया कि सचिन पायलट को भी अहम जिम्मेदारी दी जाए, जहां पे ये दोनों ही हिट जोड़ी जो सियासत की नंबर वन जोड़ी के तौर पे जानी जा रही है मौजूदा वक्त में, वो 2019 की राह भी राहुल गांधी के लिए कम से कम राजस्थान में आसान तो कर ही दे। अगर अशोक गहलोत की बात करें तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इनके अनुभव का फायदा, इनके तजुर्बे का फायदा पार्टी को मिला है। लेकिन इस बीच युवा जोश कैसे सचिन पायलट के नाम पर फनता है, ये भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहे। बिल्कुल, अशोक गहलोत के घर के बाहर से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। मनोज, अब चूंकि स्थिति साफ हो गई है, अशोक गहलोत प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री और सचिन पायलट डिप्टी सीएम, नजारा कैसा अशोक गहलोत के घर के बाहर? कल रात से हम देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, फिलहाल क्या नजारा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस समय हम सीएम अशोक गहलोत के आवास पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर समर्थकों का आना है और वो शुरू हो गया था, और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे पूछताछ के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मीडिया को भी आवास के बाहर रोक दिया है। विधायक महादेव सिंह खंडेला भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी कुछ समय हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है जो आए हैं। कहाँ से आए हो आप? जोधपुर जिला से पलासनी से आए सर, बिलाड़ा विधानसभा से। तो क्या लगता है आपको, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने हैं, क्या स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी? बहुत अच्छी लगती है सर, गहलोत साहब सीएम बने और भगवान अशोक गहलोत तो भगवान कृष्ण का अवतार है और सब पुराने काम बंद है, वो विकास वापस चालू होंगे। वसुंधरा जी ने काम सब रोक रखा है, सब जगह स्थिति बहुत खराब थी ग्रामीण में, हमें गहलोत साहब आने से। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा हमारे साथ विधायक महादेव सिंह खंडेला हैं, उनसे जानेंगे। सर आप आयो, स्थिति साफ हो गई है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, आपकी भी सरकार में क्या भूमिका हो सकती है? क्या आपकी सरकार में क्या भूमिका तय हो सकती है? क्या भूमिका तय होगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान का विकास होगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी दोनों मिलकर के राजस्थान का विकास करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट कांग्रेस की आएंगी। धन्यवाद यात्रा आपका निकालने का पार्टी का कार्यक्रम बन रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अभी बात हुई हमारी विधायक महादेव सिंह खंडेला से, तो उन्होंने कहा था कि पूरी एकजुटता के साथ यहां पर काम किया जाएगा, पायलट साहब और गहलोत साहब मिलकर काम करेंगे और प्रदेश को विकासशील बनाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, आप कहां से पधारे हो? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पलासनी में। क्या लगता है जोधपुर क्षेत्र में क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या योजनाएं लागू होनी चाहिए? हमारे वहाँ लूणी में जो भी नदी का प्रदूषण हुआ वो उसकी अब उम्मीद जगी है कि वो प्रदूषण मुक्त होगी, और किसानों के कर्ज माफी का मामला भी है, वो भी कर्ज माफ होगा, इसकी पूरी हमें उम्मीद है। और हमारे अशोक जी गहलोत साहब जो पुराने लीडर हैं उसके नॉलेज में राजस्थान का अच्छा विकास होगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने पूरी मिल के कांग्रेस को वोट डाले हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या युवाओं के लिए क्या योजना थी? युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा और किसानों के कर्ज माफ होगा, गरीबों के लिए बढ़िया मतलब मिलेंगे, जन सुनवाई होगी इधर, तो वर्तमान में जो 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 पहले जो चल रहे वसुंधरा राजे के उसने कूटनीतियों को मतलब उजागर होगा। देखो युवाओं के लिए बहुत 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 मतलब काम होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज, चूंकि जो वहां पर समर्थक जुटे हुए हैं, जो कार्यकर्ता जुड़े, निश्चित तौर पर उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो तमाम बातों का भी जिक्र कर रहे हैं जो चुनाव के समय कही गई थी। लेकिन ये जो जोड़ी है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, वहां से शुरू करें जहां बाइक पर दोनों एक साथ प्रदेश में 21 सीटों से लेकर बहुमत तक का सफर तय करने के लिए निकलते हैं, और आज दोनों बाइक पर नहीं है लेकिन एक सरकार को दोनों एक साथ चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
पायलट की भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और को पायलट की भूमिका में सचिन पायलट। अब ये जो रफ्तार पकड़ी जाएगी तो इससे कितनी उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही, खासकर अगर जोड़ी का जिक्र करें तो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस चुनावी मैदान में संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में निकली थी तो उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी समन्वय देखने को मिला था और दोनों ही नेता जहां बस का सफर नहीं हो सकता था आगे तो दोनों बाइक पर सवार हुए थे और उस समय राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों बाइक पर सवार हो गए हैं तो कह सकते हैं कि प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोनों ने मिलकर यहां पर मेहनत की और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 100 सीटें आई और उसको लेकर ताजपोशी को लेकर कह सकते हैं कि यहां पर गतिरोध देखने को मिला, दो धड़े में कांग्रेस बढ़ती नजर आई। कुछ विधायकों ने भी बयान दिए कि हम इन लोगों के साथ हैं और इसको सीएम नहीं बनाया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, ऐसी भी बातें देखने को मिली और काफी लंबा जो गतिरोध है वो चलता रहा। फिर समझाइश के दौर चले और उसके बाद आलाकमान के निर्देश पर जो यहां पर तय किया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट होंगे तो कह सकते हैं कि दोनों में समन्वय देखने को मिलेगा और आगे गतिरोध जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और दोनों ही मिलकर प्रदेश का जो विकास है उसको गति बिल्कुल देखे। लेकिन ये तो होता है मनोज, ये सभी सियासी पार्टियों में होता है, ये जब नेता चुनना होता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये एक बड़ी सामान्य घटना है। लेकिन अब चूंकि अब तो स्थिति साफ हो गई है, अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट होंगे, कार्यकर्ताओं के अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप चूंकि कल से इस खबर पर बने हुए आम लोगों के बीच भी आप गए, उनके बीच क्या सुगबुगाहट है, उनके बीच किस तरीके का माहौल है, वहां क्या चर्चा हो रही है इस खासकर जोड़ी को लेकर जो अब प्रदेश की कमान जिसे सौंपी गई है और भविष्य आगे लेकर चलना राजस्थान का? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अनूप, हम इसको लेकर कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, जिस तरह से गतिरोध देखने को मिला, सरकार बनी उसमें ये धड़े में बढ़ती नजर आई, कांग्रेस के कुछ अशोक गहलोत साहब के साथ हैं, कुछ विधायक पायलट साहब के साथ हैं, अब जो स्थिति है वो तय है, वो ये कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है? कह दी कि योग्यता ढूंढने में समय लगता है और कांग्रेस पार्टी में कहीं भी आप भेदभाव नहीं है, एक पार्टी है और अशोक जी का अनुभव बहुत ज्यादा है, अशोक जी ने दो बार पहले जो शासन किया है उसमें राजस्थान की स्थिति बहुत बड़ी और हमारे जो मुखिया हैं उन्होंने ये सोच करके कि राजस्थान का भला और कांग्रेस का भला आमजन का भला किसमें है, इसलिए अशोक जी को ये दिया। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अनुभव और युवा दोनों जो साथ में हैं, क्या लगता है कैसी प्रगति देखने को मिली? जी मनोज, पिछले कई दिनों से हम ऐसी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट के घर की बाहर की तस्वीरें हो या अशोक गहलोत के घर की बाहर की तस्वीरें हो, कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बदली हुई परिस्थिति में क्या कुछ वहां नजर आ रहा है, क्या उस आम पब्लिक की मौजूदगी है जिसने गांधी जैसे शब्द से नवाजा है अशोक गहलोत को, और सबके जहन में ये तरोताजा है यादें कि कैसे अकाल पीड़ित लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाई थी अशोक गहलोत ने और तब इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की और उसी के बाद आज आला कमान ने भी तीसरी दफा उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी, तो आम जनमानस को लेकर क्या कुछ प्लानिंग और वो लोग क्या यहां पे अशोक गहलोत के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं कोई फरियाद लेकर या अपनी खुशी जाहिर करने के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा खुशी जाहिर करने की हम बात करें तो जिस तरह कल और परसों पूरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए थे, आम जन भी यहाँ पर आया हुआ था और कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय को गति मिली कि अब नाम की घोषणा होने वाली है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उस समय जोश और खरोश देखने को मिल रहा था। कल की स्थिति हम देखें तो कल यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था और कार्यकर्ताओं का मानना था कि आला कमान तय करेगा मुख्यमंत्री के नाम में अशोक गहलोत को, क्योंकि वो पूर्व में दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास काफी अनुभव है, तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आज की तस्वीरें हम देखें तो आज भी सुबह से यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो कि सीएम अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं, जैसा कि जोश आप देख सकते हो इस समय यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,
कल जो नारा था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, लेकिन अब वो नारा बदल गया है। अब अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के जहन में ये बातें भी हैं, क्योंकि दो कार्यकाल, 10 वर्ष का सीएम का कार्यकाल पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, कार्यकर्ताओं ने देखा है, आम जन ने देखा है। तो कह सकते हैं कि जो निःशुल्क दवाई योजना जो लागू की गई थी वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थी, आम जन का उसको लाभ भी मिला। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित कर सकती हैं, वो बातें हैं जो लोगों के मन में है। कह सकते हैं कि उस कार्यकाल में जो भी लाभार्थी रहा हो तो उसके मन में कहीं ना कहीं खुशी है और ये उम्मीद भी जताई जाती है कि ऐसे ही लाभ आगे लोगों को मिलते रहेंगे। आमजन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे कहां से आप आए हो और कैसा लग रहा है कि आगे जो सरकार है किस गति से चल पाएगी। हम जोधपुर से हैं, सदापुर अशोक जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं ना वहाँ से हैं, और हमें अशोक जी जो दवाई का चालू किया ना और वो अच्छा था और सब। हाँ, तो योजनाओं को लेकर बातें की जा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए और ऐसी कौन सी योजनाएं जो युवाओं को लाभान्वित कर सकती है। हम अशोक जिले के गृह जिले से आए हैं, जोधपुर से, और तीसरी बार अशोक जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? फाइनल ईयर हूँ। तो क्या चाहते हो युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे कि जो पूरे प्रदेश में जो युवाएं हैं उनको रोजगार मिल सके? जो युवा बेरोजगार है उनके लिए जो प्रति माह 3500 रुपये भत्ते के लिए जो सरकार ने पहले घोषणा की थी उसको पूरी की जाए, और स्टूडेंट के लिए जो भी योजना है सरकार आगे भी देखेगी। जी आपसे जानना चाहेंगे आप कहां से आए हो और ऐसी जोधपुर जिले से, भोपालगढ़ से है सर जी। क्या चाहती है वहां की जनता के, ऐसी क्या योजना है जो वहां को यहां पर आप लाभ पहुंचा रहे? भोपालगढ़ की जनता विकास के लिए बहुत खुश चाहती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। आप क्या चाहते हो, क्या क्या योजना लागू की? सर अकाल का बहुत प्रबंध था पहले, और कोई भी काम किसानों के लिए बहुत काम करेंगे सर, कर्जा माफ होगा और भी काम होंगे सर। कर्जा माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। कुछ सीनियर जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा था, दो धड़े में पार्टी बटी हुई थी, अब चूंकि स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है, बटी हुई थी, ये तो बढ़िया बात है। कोई दावेदार कितने अच्छे सक्षम आदमी है हमारे पास, कितने मुख्यमंत्री बनने का होता रहता है, हर एक पार्टी में होता है, कौन सी पार्टी में नहीं होता, सरकार बनती है तो होता है। ऐसी कौन सी योजना चाहोगे आप एक जिससे कि पूरा प्रदेश लाभान्वित हो सके, क्योंकि कई समस्याएं खासकर के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, पेयजल किल्लत और सिंचाई के पानी की समस्या। मैनिफेस्टो में वो जो भी दी बातें वो सब वो सरकार का कार्यक्रम वही रहेगा, और वो मैनिफेस्टो सरकार के पहले दिन ही टेबल पे आएगा और उस अनुसार काम चलेगा। खासकरों का कर्जा माफी है, शिक्षित बेरोजगारों का भत्ता है, नौकरियां हैं, बालिकाओं की फ्री शिक्षा है, सारी चीजें हैं उसमें मैनिफेस्टो, सब पता है। जैसा कि यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में आपने दिया था, अब चूंकि लोकसभा चुनावों का भी कम समय बचा है, आचार संहिता भी 1-2 महीने में लागू हो जाएगी, तो नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल है? नहीं नहीं, जनता का मानस बन गया, लोकसभा में भी ऐसे ही करेंगे, इनको जीता के छोड़ेंगे, वरना आप निश्चिंत हो। ये आपसे जानना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कौन सी योजना ऐसी लागू होनी चाहिए? किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी का रोजगार, ये योजना। जी बिल्कुल, हमने सभी से बात की है, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, आप भी आप यहाँ आए हो जी। मनोज, सरकार गठन के तुरंत बाद और सबसे पहला जो फैसला लिया जाएगा वो कर्ज माफी को लेकर ही, कैबिनेट की पहली बैठक जो होनी है वो कर्ज माफी को लेकर ही, किसानों के हित को लेकर ही बैठक होनी है, क्या ये बात उन लोगों को मालूम है जो किसानों का भी जिक्र कर रहे थे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, वो साथी तो हमारे पास से अब अंदर चले गए हैं सीएम साहब के आवास पर मिलने के लिए, हमारे साथ और सीनियर लीडर्स हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उनसे जानते हैं जिस तरह से सरकार ने वादा किया था, सरकार बनते ही कांग्रेस ने वादा किया था सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ होगा, जिसको लेकर पहली बैठक होनी है, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो गहलोत साहब हैं इस समस्या का जो समाधान है वो कर पाएंगे और किसानों को लाभान्वित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी इन्होंने किए थे, 72 हजार करोड़ के कांग्रेस ने कर्जे माफ किए थे किसानों के, अब इन्होंने वादा किया था उसको भी निभाएंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जैसे बिल्कुल, लेकिन मनोज ये तो चलिए कर्ज माफी है और इसको लेकर पहले भी कई सरकारें रही हैं जो किसानों की कर्ज माफी को लेकर ये मसला चुनाव में गूंजता है और उसके बाद अपने अपने स्तर पर इसका समाधान निकालने की कोशिश होती है, कर्ज माफी होती है, ये तो एक सवाल है, लेकिन किसान और किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनके लिए सबसे पहले पहली कलम से कहें तो उसके समाधान की जरूरत है, जरा इस सवाल को भी समझने की कोशिश करिए। कर्ज माफी तो एक विषय है, लेकिन और कौन कौन से बिंदु हैं जिससे किसान दो चार हो रहे हैं?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा अनूप, कह सकते हैं किसानों की स्थिति हमने देखी है, हम भी किसान के बेटे हैं, तो किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है सिंचाई की समस्या, क्योंकि सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। साथ ही बिजली भी एक समस्या है, क्योंकि किसानों को बिजली महज 8 घंटों की मिल रही है जिससे कि सिंचाई होती है, बिजली भी एक समस्या है। साथ ही कभी कभी सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है तो फसलों में पाड़ा पड़ जाता है, और कभी कभी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो किसान कहते हैं हमेशा समस्याग्रस्त रहा है। और अर्ध बेरोजगार भी किसान रहा है, क्योंकि उसके पास फसल के अलावा कोई रोजगार नहीं होता। आप भी शायद किसान हो, किसानों की समस्याएं जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पानी, बिजली और सूखा पड़ना और पाला पड़ना, तो इनको लेकर सरकार से क्या उम्मीद आप करते हो? हम सरकार से पहले तो अशोक जी को धन्यवाद देते हैं कि पूरे राजस्थान की जनता की भावनाओं का कदर करेंगे, और हमारे जो भी कांग्रेस घोषणा पत्र में जो भी दिया है वो किसानों के हित में, युवाओं के हित में। बाकी जो भी पानी की समस्या है, हम बाड़मेर जिले से हैं तो हमारे वहाँ जो साचौर से जो नहर आती है वो नहर 3 साल से बंद पड़ा है, थोड़ा कुछ रिपेयर नहीं हुआ। अभी हमें उम्मीद है कि इस सरकार में कि वो नहर रिपेयर करेंगे, उसका पानी आगे भेजेंगे, तो हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। देखो समस्या बात